नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis.sales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नाटो के बारे में है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। पहले हम कुछ बेसिक्स की बात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत यूनियन, यानी उस समय जो यूएसएसआर था, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना चाहता था। तो कम्युनिज्म के प्रचार प्रसार को रोकने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज एक साथ आई और उन्होंने नाटो का निर्माण किया। नाटो का मकसद यह था कम्युनिज्म के स्प्रेड को रोकना। एक पैक्ट साइन किया गया नाटो कंट्रीज के द्वारा, म्यूचुअल डिफेंस एक्ट, MDP, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। इस पैक्ट का मकसद यह था कि नाटो को जो मेंबर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल USA, जर्मनी, UK, अगर मान लीजिए UK के ऊपर किसी देश के द्वारा अटैक किया जाता है तो वो अटैक सभी नाटो मेंबर कंट्रीज के ऊपर माना जाएगा। USA के ऊपर भी, ग्रीस के ऊपर भी, टर्की के ऊपर भी, जर्मनी के ऊपर भी, जो भी नाटो मेंबर कंट्रीज हैं वो सबके ऊपर अटैक माना जाएगा। उसी प्रकार से USA के ऊपर अटैक होता है तो वो UK के खिलाफ भी अटैक माना जाएगा, फ्रांस के खिलाफ भी अटैक माना जाएगा। तो ये था म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। अब देखो, धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन काफी आगे तेज बढ़ती गई और हुआ क्या, 1991 में USSR का तो डिसइंटीग्रेशन हो गया। मतलब जिस देश के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी वो देश ही नहीं रहा, लेकिन नाटो फिर भी काम करती रही। और हैरानी की बात यह है कि जो कंट्रीज पहले USSR का पार्ट थी, वो कंट्रीज अलग होने के बाद, USSR से अलग होने के बाद नाटो का पार्ट बनी, यानी पासा बदल लिया कई देशों ने, फॉर एग्जांपल इस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो ये हमने नाटो के बेसिक्स के बारे में बात की। और देखो, अभी रशिया के द्वारा आरोप तो ये भी लगाया जाता है कि नाटो जब इरेलेवेंट हो गया है, जिस मकसद के साथ नाटो इस्टैब्लिश किया गया था, USSR द्वारा कम्युनिज्म का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसे रोकना, आज ना तो कम्युनिज्म फैल रहा है, आज ना ही USSR है, फिर नाटो की आवश्यकता ही क्यों है। रशिया आरोप लगाता है नाटो की सहायता से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो रशिया को दबाना चाहती हैं। अभी फिलहाल कंटेक्स्ट ये है कि 11 जुलाई को नाटो का एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। देखो, जब से ट्रंप राष्ट्रपति चुने हैं ना, ट्रंप एक बात बार बार बोलते हैं, सिर्फ USA बहुत ज्यादा खर्चा करता है नाटो के ऑपरेशंस में, जबकि दूसरे जो कंट्रीज हैं वो बहुत कम खर्च करते हैं नाटो के ऑपरेशंस में। तो ट्रंप कहते हैं कि हमने कौन सा ठेका लेकर रखा है आपकी सिक्योरिटी का, आप भी अपनी GDP का 4% कंट्रीब्यूट कीजिए। पहले जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल UK, जर्मनी, इनका गोल ये है कि 2024 से पहले पहले अपनी GDP का 2% जो है वो नाटो को दिया जाए। लेकिन ट्रंप कहते हैं आप 2% ना देके 4% अपनी GDP का नाटो को दो, क्योंकि USA ने बहुत ज्यादा खर्च किया है नाटो के ऑपरेशंस में, हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है, आप कोई खर्चा करते नहीं, इसलिए अगर आप खर्चा नहीं करोगे तो हम नाटो से अलग हो जाएंगे। ट्रंप इस प्रकार की धमकी बार बार देते रहते हैं। ट्रंप खास तौर से क्रिटिसाइज करते हैं जर्मनी को। देखो, जर्मनी और USA का जो ट्रेड होता है, USA की तरफ से ट्रेड डेफिसिट है, मतलब USA जर्मनी से इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, और जर्मनी की तरफ से ट्रेड सरप्लस है। USA कहता है जर्मनी को, आपको तो और भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए नाटो को, और दूसरी तरफ आप रशिया से गैस को इंपोर्ट कर रहे हो। देखो, रशिया के साथ रिलेशंस मेंटेन किए जाएं या ना किए जाएं, ये इशू यूरोप में बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। जर्मनी जैसे देश एक तरफ रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो दूसरे देश, फॉर एग्जांपल UK, ये रशिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन नहीं करना चाहते। USA बोलता है जर्मनी को, रशिया की रीजनल एम्बिशंस काफी ज्यादा हैं, आप रशिया के साथ ट्रेड करना बंद कीजिए। दूसरी तरफ ये देखो, अपने आप में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है। दूसरी तरफ USA के राष्ट्रपति ट्रंप की जो पर्सनल केमिस्ट्री है पुतिन के साथ वो काफी अच्छी है। आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि पुतिन ने मदद की थी ट्रंप की USA का राष्ट्रपति चुने जाने में। कुछ ही दिनों में रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और USA के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मुलाकात होनी भी तय है। तो आप दूसरों को तो ये बोल रहे हो कि रशिया के लीडर्स के साथ आप कम्युनिकेशन नहीं इस्टैब्लिश कीजिए, उनके साथ मिलिए मत, उनके साथ रिलेशंस को बिल्कुल कट डाउन कर लीजिए, और खुद मिल रहे हो, ये तो वही बात हो गई ना। उसके बाद देखो, आर्टिकल में ये भी बोला जाता है कि ये बात सही है, USA अपने डिफेंस बजट पे काफी खर्चा करता है। जैसे 2017-18 के डेटा के अनुसार USA का जो डिफेंस बजट था वो 3% ऑफ GDP था,
लेकिन उस 3% ऑफ जीडीपी में यूएसए ने सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट किया है यूरोप की सिक्योरिटी में, और उस 5% में से भी सिर्फ 22.1% कंट्रीब्यूट किया है नाटो में। तो यह कहना कि सिर्फ यूएसए ने कंट्रीब्यूट किया है, बाकी दूसरे जो नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, बहुत हद तक यह बात बहुत ज्यादा सही नहीं है। यह बात सही है, यूएसए ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इतना भी ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया है, मिसमैच जरूर है। और यूएसए के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने इस मिसमैच को दूर करने की कोशिश भी की है, जैसे फॉर एग्जांपल बराक ओबामा और जो जॉर्ज बुश थे उन्होंने भी समय समय पे इस इशू को उठाया है। लेकिन ट्रंप के द्वारा जिस प्रकार से इस इशू को उठाया जाता है उससे तो यही प्रतीत होता है कि नाटो के जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं उनकी अभी डिपेंडेंस है नाटो के ऊपर, तो इस चीज को एक्सप्लोइट कर रहे हैं ट्रंप अपनी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को अपीज करने के लिए। नाटो, जब ट्रंप नाटो के बारे में बार बार ऐसा बोलते हैं तो उनके जो वोटर्स हैं ट्रंप के वो बहुत ज्यादा अपीज होते हैं, उनकी जो लॉयल्टी है वो ट्रंप की तरफ और ज्यादा बढ़ती है, उनको लगता है ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के स्लोगन पे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लास्ट में आर्टिकल में एक बात ये बोली जाती है कि ये अमेरिका फर्स्ट का जो स्लोगन है उस स्लोगन पे आगे चलते हुए तो ट्रंप और भी बहुत कुछ अजीबोगरीब करने वाले हैं आने वाले समय में, जो कि एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ऑर्डर के अगेंस्ट होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नाटो के बारे में, चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।